भी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला। मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे खुदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिल रुबा। मेरा ये जादू तेरी आंखों का, मैं तेरा पागल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। छलकाए जा आइए आपकी आंखों के नाम, गोटों के नाम, आंखों के नाम, गोटों के नाम। आप ही का नाम लेकर पी है सभी ने, पी है सभी ने। आप पर धड़क रहे हैं प्यालों के सीने, प्यालों के सीने। यहाँ अजनबी कोई नहीं, ये है आपकी महफिल तमाम। छलकाए जा दुनिया वालों, शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। जहाँ मैं खुदी कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई। नशे में हो लेकिन मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं। किसी को मिले हैं छलकते प्याले, किसी को नजर से पिलाई गई। शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल में कि तू आए, कहीं चट की गली कोई मैं ये समझा शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराए। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें,
कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना। आपने रफी को इतना प्यारे, लेकिन आपको अपना म्यूजिक इसमें इन ये म्यूजिक अपना ही गुड, इन्होंने अपने म्यूजिक के ऊपर ये सॉन्ग बड़े जबरदस्त अंदाज पूरे में। गाने सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट में बनाए। अच्छा, ओरिजिनल जो सॉन्ग है उसके लिए तो पूरा 100 का ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ था। बैंड बजा दे, उनके लिए दो म्यूजिक में डाल दो म्यूजिक में वो पूरा वो फ्लेवर दे दिया और थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा न्यू टच दिया। जबरदस्त, क्योंकि सॉन्ग्स आर वेरी ओल्ड तो थोड़ा सा न्यू टच देना था। अच्छा, इतनी आवाज में एक आपके अंदर एक खूबसूरत सी मोहब्बत है, प्यार है, और बेगम को भी आपने सुना दिया, तो ये बेगम का टकराव कैसे हुआ, जो वो जर्नी मुझे जरा सुनाइएगा। बेसिकली हमारी लव मैरिज हुई थी और उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, वी वर टीनेजर। ओके, तो वो बस हो गया माशाल्लाह से। वो ऐसा था कि अल्लाह ताला ने ये पहले से जोड़े बनाए हुए होते हैं, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर आप ये बात इसको यकीन रखें, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो बस था, तो मैं कहाँ से चला, शी बिलोंग्स टू अ विलेज, और वो कहाँ से आई, लाहौर में हमारी मुलाकात हुई, उधर जब देखा तो बस पता नहीं चला क्या हो गया। फिर उसके बाद मेरे अब्बू मुझे US ले गए, उस वक्त मैं I think only 16 years old। ये तो फिल्मी सिचुएशन सुना रहे हैं, विलेज में वो विलेज की थी और थोड़े से वो बैकवर्ड टाइप के लोग थे, हम लोग थोड़े मॉडर्न लोग थे। मेरे पेरेंट्स मुझे US ले गए क्योंकि मेरे अबू US सिटीजन थे, तो मैं जाना नहीं चाह रहा था बिकॉज आई फॉल इन लव। तो वो मुझे जबरदस्ती ले गए कि ये कहीं मसला ना हो जाए, दुश्मनी ना पड़ जाए। मैं अमेरिका चला गया, तो जाने के बाद भी भले मुझे जबरदस्ती जहाँ मर्जी ले जाए, तो जब आपको जो सच्चा मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, वो एक सच्ची चीज ही होती है। वो ऐसे नहीं होती ये हो गया जी तो ये लोगों को देखता है, ऐसा नहीं होता। वो कुछ और चीज होती है, आपकी लाइफ ही डिफरेंट होती है, आपका वे ऑफ टॉक, आपका वे ऑफ वॉक, आपकी हर चीज डिफरेंट हो जाती है, आपकी हर आपको अल्लाह के करीब ले जाती है। आप 24 घंटे आपका काम ही दुआएं होती है, अल्लाह या रियल मोहब्बत। और देखो आज भी आप देख लो, हाउ मेनी इयर्स नाउ, आप देख लो 1992 से आज 2022 है, 30 years, 30 years। आज भी आप मेरा कोई भी उठा के क्लिप देख लो कि मैं गा रहा हूँ या डांस कर रहा हूँ या एंजॉय कर रहा हूँ। आई डू पार्टीज एवरी वीक, आई एम वेरी फेमस इन USA। मैं बहुत बड़ी बड़ी पार्टी थ्रो करता हूँ उधर और लोगों को खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, ऐश कराता हूँ और बस इंजॉय कराता हूँ और वेलकम करता हूँ। और हर स्टार जाता है US में, जब वो बेचारा लॉस्ट हो जाता है, ही डजंट हैव प्लेस टू स्टे और डू एनीथिंग, सो नोबडी इज देयर टू हेल्प हिम आउट। तो ऑलवेज हुआ, अभी बड़े आपको मिलेंगे ऐसे इंसिडेंट्स, आप देखेंगे मैंने किया माशाल्लाह से। तो आज भी हम जब भी मैं गाना गा रहा था, मेरी वाइफ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। पीपल जो भी सोचे, बाज नेगेटिव होते, जो जेलिस होते, कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं बात शरीके, लेकिन मेरी मोहब्बत, मेरे गाने, मेरी हर चीज़ मेरी वाइफ के लिए, तो मेरी लाइफ ही वो है, तो मैं उसका आई कांट लिव विदाउट हर। तो मैं जो गाना इतना खूबसूरत, आप कहती ना गा लेता हूँ, वो इसलिए गा लेता हूँ कि गाने में जब मैं गा रहा होता हूँ तो मैं उसी को देख रहा होता हूँ, वो सब मेरी जिंदगी की लाइफ के हिस्से हैं। मुझे याद है ये गाना मैंने कब इसको गा के सुनाया था, उस जमाने में जब फिर फोन करता था रो रो के, एक कॉल कर उसको मैंने गाना तो रो के सुनाया, और वो गाना मैंने लाइवली वो गाना गाया था अपने एक शो में। तो उधर जो थी ना बड़ी सी ख्वातीन आंसू से रो रही थी, क्योंकि मैं गाने के अंदर चले जाता हूं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी का अल्लाह का करम है, सिंसियरिटी है, और ये सारा जो उनकी मोहब्बत और दुआओं का ये जितना कुछ आपकी सिंसियरिटी ना, कि जो अल्लाह ने आपको इतना ज्यादा नवाजी, इज्जत, मोहब्बत, प्यार लोगों का, ये आपकी वाइफ के साथ सिंसियरिटी है। मेरी वाइफ ने भी अल्लाह से लौ लगाई थी, आपको पता हम लोग हर साल इत्तेकाफ बैठते थे और इत्तेकाफ में ये दुआ नहीं मांगते, अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, मुझे गुनाह बख्श दे, होश ही नहीं होती, सिर्फ दुआ ही होती थी, या अल्लाह हमें मिला दे, हमारे पेरेंट्स को मना दे, ये लोग मान जाएं, कि इनको समझ नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही, हम रह नहीं सकते, मारे जाएंगे,
ऐसी और वाकई हमने मर जाना था अगर हम ना मिलते। अगले गाने ना बनाए, इनकी कोई अच्छी सी फिल्म बना दीजिए। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा फेमस हुआ, मेरा तो अखबार में, टीवी में, बीबीसी लंदन में, सीबीएस 48 आवर्स में, अमेरिका में, एवरी ईयर मेरी स्टोरी चलती है मिस्टर मिसेस सोनोबट का। आपको पता इस बात का, मेरे लिए यूएस से एंट्री मिनिस्ट्री आई थी पाकिस्तान, मुझे यहाँ से एस्केप कराने के लिए। मैं जिस तरह बस में बैठ जाए ना, बगैर टिकट लेके बैठ जाए या टिकट लेके बैठ जाए, अमेरिका के लिए आपको बहुत सी चीजें चाहिए थी। आई वॉज अ यूएस सिटीजन बट माई वाइफ वॉज नॉट, लेकिन मेरा भी पासपोर्ट सम यहाँ के लोगों ने वो छीन लिया था। अब मैं नहीं देना चाहता उस डिपार्टमेंट का नाम, लेकिन जिसको अल्लाह रखे सो कौन चाहे। फिर मुझे जहाज मेरे स्पेशल खड़ा हुआ, स्पेशल चार्टर प्लेन आया, यूएस मरीन आई, मुझे मेरी वाइफ को बुलेट प्रूफ गाड़ी में डाला, लाहौर एयरपोर्ट से कराची एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट से स्ट्रेट यूएसए। बीच में रोम में हम रुके, वहां पर कोई उन्होंने ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाया, और वहां पर आई रिमेम्बर स्टिल जज आस्क माई वाइफ व्हाट्स योर नेम एंड She told him his name. अच्छा, आपकी मिसेस का नाम क्या छोड़े? हुमैरा। हुमैरा, is a lots of love you, और ये आप से बहुत प्यार करते हैं, और आपका भी गाना रेडी हो रहा है, आप उनको डेडिकेट करेंगे एक प्यार का नगमा। आर यू रेडी? तो ये आपके लिए सॉन्ग है गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से और आपके हस्बैंड सोनू भट्ट की जानिब से। लॉट्स ऑफ लव यू हुमैरा, यू आर अ वेरी लकी पर्सन, और अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी इसी तरह सलामत रखे। आमीन सुमामी। एंड डेडिकेट टू प्यार का नाम हुआ है। ओके, आर यू रेडी?
सोनू भट्ट और मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए, और इतना खूबसूरत आपका वॉइस है और ओरिजिनल वॉइस है, कोई आपके अंदर कोई एक होता है ना कुछ बनावट है नहीं, आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है वो गॉड गिफ्टेड है। थैंक यू, बहुत आपने गौर किया, मैं ये नहीं कि रफी गा रहा, तो मैं रफी के स्टाइल की नकल कर रहा, मैं अपने स्टाइल में उसका गाना लेके अपना म्यूजिक डाल के थोड़ा सा चेंज करके। नहीं नहीं नहीं, बहुत प्यारे, और मेरी ख्वाहिश है बल्कि आप बताएं कि आगे फ्यूचर में आपने अपने कुछ खुद से सॉन्ग क्रिएट करें। हाँ, मैंने कुछ गाने लिखवाए हैं और वो मुझे टाइम नहीं मिलता, अभी यहाँ पर आके मेरा एक प्लाजा बन रहा है लाहौर में, वही वो चल रही प्रोडक्शन, तो मुझे उधर जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और इधर अभी हाजी साहब, यानी कि जब फ्यूचर में टाइमिंग होगी तो आप जरूर। अच्छा जी अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जाते जाते मैं सोनू भट्ट साहब से, यू हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स, तो आप जाते जाते कुछ मैसेज करना चाहें तो प्लीज अपने नाज़रीन से। मेरा मैसेज ये है कि अस्सलाम वालेकुम सबके लिए, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरी पहचान, पाकिस्तानी जो है वो मेरी पहचान है, मेरी मोहब्बत है, मुझे बड़ा वार्म वेलकम मिला है कराची से, लाहौर से ही बड़ा वार्म वेलकम मिला है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू कराची में मुझे इवन लाहौर से भी इस दफा ज्यादा मोहब्बत मिली और आई कांट बिलीव दिस के मुझे पहले इतना नहीं पता था, मैं एक्चुअली आई फील इसके, आई जस्ट रन अवे बैक, मैं जब आता था नेक्स्ट फ्लाइट से वापस निकल जाता था लाहौर, इस दफा फॉर सम हाउ आई हैड टू स्टे, तो वो इतनी मोहब्बत मुझे लोग जाने नहीं दे रहे और इतनी मोहब्बत मिल रही है, इतने प्यारे लोग हैं, बुलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मुझे कल भी बुलाया हुआ था, मुझे आज भी बुलाया हुआ है, मैं जा नहीं पा रहा, मैं उनके लिए माजरत करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा जो ना वो प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ इस शहर में, लेकिन जिससे मिल रहा हूँ बहुत प्यारे, प्यार मोहब्बत सोनू को बहुत मिल रहे हैं, इतनी मोहब्बत, तो फिर दोबारा गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन करने इंशाल्लाह। अच्छा सोनू साहब, आप ने हमें एक बार फिर ज्वाइन करने, हम अपने नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे, लेकिन आपका जो है मेडले का शो रेडी है तो हम उस पर एंड करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच जी, नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारे स्पेशल गेस्ट सोनू भट्ट के खूबसूरत मेडले जाते जाते सुनिएगा और इनको अपनी दो में जरूर प्लीज याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह, अल्लाह हाफिज एंड गो टू सोनू भट्ट। यस, ये शाम मस्तानी मत होश किए जा, मुझे डोल कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, ये शाम मस्तानी तू हंस के जहर कोई पी जाए, शाम मस्तानिया मत होश किए जा, मुझे डो मेरी हंसनी कहाँ चली, मेरे अरमानों के पंख लगाते कहाँ चली, हो आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा कचरा, हरे तेरा कजरा, ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ चली, मेरे अरमानों के पंख लगाते
तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। बड़े मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आंखों में कोई। दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए,